हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका सर्व मंथन कॉमिक के दूसरे पार्ट में, जिसे देखने से पहले अगर आपने इसका पार्ट वन मिस कर दिया है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस कॉमिक का पार्ट वन देख लें, ताकि इसमें पढ़ी जा रही कहानी से आप एकदम अपडेटेड हो जाए। साथ ही अगर आप चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो ऐसे ही कई बेहतरीन कॉमिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सर्व मंथन कॉमिक का दूसरा पार्ट। द्वितीय अध्याय आरंभ। शुक्रहारा का अंतिम वंशज। मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में नागराज और भोकाल की स्थानांतरित हुई शक्तियों का मुकाबला करना असंभव लग रहा है। हम कृत्रिम संसार के अपने प्रतिरूपों से मानसिक संपर्क स्थापित करने में तो कामयाब हो गए, पर इसका भी कोई फायदा नहीं है। मेरा प्रतिरूप तो प्लीज बोलने पर भी परमाणु छल्ले नहीं छोड़ रहा है यार। युगम ने कहा था कि इस कृत्रिम संसार में बनाई हुई हर वस्तु या प्राणी को मिथ्याकार ही ऑपरेट करता है। शायद इसीलिए हम चाहकर भी अपने प्रतिरूपों को नागराज और भोकाल का मुकाबला करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उफ, मिथ्याकार के इस मायाजाल से निपटने की हमारी कोई भी युक्ति काम नहीं आ रही। हमारे प्रतिरूप हमारे आदेश नहीं मान रहे। भोकाल श्री और नागराज श्री उदंडित रूप से हमारे मित्रों को घायल कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर चिंतन मनन में लीन है मित्र गोजो। मैं व्यर्थ चिंतन नहीं कर रहा हूँ मित्र योद्धा, बल्कि एक पहेली का हल ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ। कैसी पहेली? जरा सोचो साथियों, मिथ्याकार अपने कृत्रिम संसार में महानायकों के प्रतिरूप को कोई भी शक्ति दे सकता था, या फिर स्वयं उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता था, परंतु उसने उन्हें प्रतिद्वंदियों की शक्तियां ही क्यों प्रदान की? मिल गई वह गड़बड़ जिसे मेरा दिमाग इतनी देर से ढूंढ रहा था। कैसी गड़बड़ ध्रुव? मिथ्याकार ने नागराज और भोकाल की शक्तियां अदल बदल क्यों की? वो अपनी शक्तियों के साथ भी बाकियों को हरा सकते थे, आखिर उन्हें कंट्रोल तो मिथ्याकार ही कर रहा है। तिरंगा, शीघ्र चलो, हमें यदि अपने साथियों की प्राण रक्षा करनी है तो इस मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को नष्ट करने का मार्ग तलाशना होगा। यह नहीं हो सकता, ये सच तो मेरे बीते हुए कल के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। फिर इस मिथ्याकार ने इसे जीवंत कैसे कर दिया? ये तो जड़वत सा हो गया है। मैं और समय नष्ट नहीं कर सकता, मुझे अभी यह स्पर्धा जीतने और अपने साथियों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार को नष्ट करने की कुंजी ढूंढनी होगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो शुक्रहारा जाति के दृश्य है। शुक्रहारा जाति जिसने कश्यप की मानव संतानों से पृथक होकर दुर्दांत हथियारों के रूप में अपना जीवन यापन करने की प्रार्थना चलाई। शुक्रहारा सिर्फ एक ही बात जानते थे, संसार में जीने का अधिकार उसका ही है जो दूसरों से जीवन छीनने में सक्षम हो। भागो, शुक्रहारा लुटेरों का झुंड आक्रमण कर रहा है। किंवदंतियां थी कि शुक्रहारा जाति के सरदार शुक्रसाल जैसे निर्दय और दुर्दांत तो असुर भी नहीं होते थे। आग के हवाले कर दो पूरे गांव को, मर्दों और बूढ़ों को काट डालो, इनका सोना लूट लो और इनकी औरतें व बच्चों को गुलामी के लिए बंधक बना लो। शुक्रहारा कभी भी एक स्थान पर अधिक दिन तक नहीं टिकते। वे आंधी की तरह आते और तूफान की तरह गांव, राज्य, जो भी उनकी राह में आए उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ जाते। उनके सरदार शुक्रसाल की अभेद ढाल साकल्य और अचूक तलवार सलाखा के सामने बड़े से बड़े योद्धा हथियार डाल देते, परंतु दुनिया का सबसे बड़ा हथियारा जिसके लिए किसी की भी जान ले लेना एक खेल से अधिक कुछ नहीं था, वह शुक्रसाल अपनी जान अपनी गर्भवती पत्नी कुशाला पर न्यौछावर करता था। कैसा है हमारा वीर पुत्र, अब हम तरस गए हैं तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए। पुत्र, अपनी माताश्री से कहो तुम्हें शीघ्रता शीघ्र इस दुनिया में लेकर आए। आपका पुत्र आपकी ही सुनता है शुक्रहारा सम्राट, अब किसी भी दिन शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परंतु शुक्रसाल को अंदेशा नहीं था कि वो शुभ दिन उसके जीवन का आखिरी दिन साबित होने वाला था। शुक्रहाराओं के आतंक से त्रस्त होकर मानव सभ्यता के 14 सम्राटों ने एकजुट होकर उनका उन्मूलन करने का निश्चय कर लिया था। यदि शीघ्र ही इन शुक्रहाराओं का सर्वनाश नहीं किया गया तो धरती पर से सभी 14 राज्य मिट जाएंगे, अगर बचेंगे तो सिर्फ शुक्रहारा के दास। परंतु हम ये करेंगे कैसे? मैंने सुना है कि शुक्रहारा के सरदार शुक्रसाल को उसके इष्ट देव का वरदान प्राप्त है, जिसके कारण वो कभी युद्ध में परास्त नहीं होता। हमें उसके इष्ट देव से बड़े देव को प्रसन्न करना होगा। शैतान की शरण में जाना होगा हमें। शैतान की शरण में? सम्राट तोरगास उचित कह रहे हैं, शैतानों से निपटना है तो शैतान के ही शरण में जाना होगा। शुक्रसाल के नेतृत्व में शुक्रहारा जाति अपने अगले गंतव्य के लिए कूच कर चुकी थी, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका अगला गंतव्य इस लोक पर नहीं था। ये दक्षिण दिशा से धूल का गुबार कैसा उठ रहा है, लगता है कोई तूफान आ रहा है। आक्रमण,
निस्तनाबूत कर दो इन शुक्रहाराओं को। यलगार साथियों, इनमें से एक को भी जीवित ना छोड़ना। सतयुग में उससे भीषण युद्ध कभी ना हुआ था। रक्त की बहती नदियों में मरुथर की रेत लाल नजर आने लगी। चारों ओर सब ही सब थे। एक भी शुक्रहारा जीवित नहीं बचना चाहिए, और तो और बच्चों को भी मत छोड़ना। इसी भीषण रक्तपात के बीच कुशाला को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। उफ, कैसी विडंबना है ये स्वामी, हमारा पुत्र जीवन लेते ही मृत्यु का मुख देखेगा। ओह, ऐसा नहीं होगा कुशाला, उसके पिता के जीवित रहते ऐसा नहीं होगा। इष्ट देव की यह साकल्य और सलाह का रक्षा करेंगे हमारे पुत्र की। अपने इष्ट देव के वरदान से प्राप्त साकल्य और सलाका से उन 14 सम्राटों की सेनाओं का अकेले ही सफाया कर दिया शुक्रसाल ने। आज मुझे एहसास हुआ कि अपना संसार उजड़ने का दर्द क्या होता है। अनगिनत बदुआएं ली है मैंने, यह उसका ही परिणाम है। मैं प्रण लेता हूँ कि दस्यु मार्ग छोड़ दूंगा, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ सत्य और शांति के मार्ग पर चलकर जीवन यापन करूंगा। परंतु हृदय परिवर्तन कर्मों के फल को नहीं बदल सकता। शुक्रसाल ने जो दुष्कर्म किए थे उनका मूल्य सिर्फ प्रायश्चित नहीं था। कुशाला, उफ कुशाला, तुम भी मेरा साथ छोड़ गई। कुशाला अपने पुत्र को जन्म देते हुए अपने प्राण त्याग चुकी थी। मेरा पुत्र शुक्रहारा का वंशज अपने विलखते नवजात पुत्र को सीने से लगाने के लिए स्वतः ही साकल्य और सलाका छूट गए थे शुक्रसाल के हाथ से। इष्ट देव द्वारा प्रदित साकल्य और सलाका तभी एक शुक्रसाल को अविजित बनाते थे जब तक वो उन्हें धारण किए रहे। ये बात उसके शत्रु भी जानते थे। उस अकेले निहत्थे पिता की पीठ पर वार किया उन 14 राज्यों के चक्रवर्ती सम्राटों ने। अपने पिता के रक्त से रक्ताभिषेक हुआ था उस नवजात बालक का। वार करते रहो इस पर, अपने शिशु को बचाने के लिए इसने उसे बाहों में लपेटा हुआ है। यह हथियार नहीं उठा सकता। इसे मारने के बाद इसकी औलाद को भी काट डालो, वरना हत्यारे का बेटा बड़ा होकर हत्यारा ही बनेगा। कायरो, एक निहत्थे पिता की पीठ पर वार करके कौन से धर्म की रक्षा की है तुम लोगों ने? मौत मेरा मुकद्दर है, क्योंकि मेरे गुनाह मेरी जिंदगी से ज्यादा भारी है। पर मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। परंतु मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा पाओगे तुम लोग। शुक्रसाल खुद को तो मृत्यु से नहीं बचा सकता था, परंतु उसने अपनी प्राण शक्ति अपनी संतान को बचाने के लिए नौछावर कर दी। शुक्रहारा का यह अंतिम वंशज तुम्हें उसी तरह मारेगा जैसे तुमने इसके पिता और इसके कुटुंब को मारा है। यह मेरा इसे आशीर्वाद और तुम्हें श्राप है। हर युग में हर जन्म में तुम 14 मेरे पुत्र शुक्राल के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। साकल्य और सलाका सदैव इसकी रक्षा करेंगे और इसे इस योग्य बनाएंगे कि यह अपने पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। हर युग हर समय काल में जन्म लेगा मेरा पुत्र और हर काल में यह बनेगा शुक्राल। यह तो मर गया, मरते मरते भी श्राप दे गया कमबख्त। इसके श्राप से खुद को अभी मुक्ति दिला सकते हैं। कैसे? इस पाप के बीज को ही खत्म कर दो। एक पल में ही उस बालक के प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ देते। सम्राट बरते वर सही कर रहे हैं, खत्म कर देते हैं इस बालक को। ना रहेगा बालक और ना रहेगा श्राप, परंतु उसके पिता का दिया आशीर्वाद अब इस जन्म तो क्या, उसके आने वाले सहस्त्रों जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। अरे ये क्या, मरुधर की रेत बालक और शुक्रसाल के हथियारों को लील रही है। ये ठीक ही हुआ, हम शिशुवध के पाप से भी बच गए और श्राप से भी पीछा छूटा। 14 सम्राट खुद को खुशकिस्मत समझने की भूल कर बैठे थे, परंतु नहीं जानते थे कि शुक्रसाल के श्राप ने ही उसके बेटे की रक्षा की थी। कोई नहीं जानता कि शुक्रसाल का रहस्यमय इष्ट देव कौन था, किंतु उसकी मायावी शक्तियां न सिर्फ शुक्राल की प्राण रक्षा कर रही थी बल्कि उसे उसके पालक तक भी ले जा रही थी। यह वही समय था जब भगवान विष्णु के छल से देवताओं की शिक्षा का दायित्व गुरु बृहस्पति के हाथों में चला गया था। कुपित शुक्राचार्य एकांत में अपना क्रोध शांत करने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसा घोर निरादर व अपमान, देवताओं की शिक्षा का दायित्व छल पूर्वक छीना गया है मुझसे। मैंने असुरों का गुरु बनना स्वीकार तो कर लिया है, परंतु मैं जानता हूँ कि असुर कुबुद्धि और मूर्ख है। ये छल कर मेरे साथ ठीक नहीं किया भगवान विष्णु ने। गुरु शुक्राचार्य का ध्यान किसी शिशु के रुदन से भंग हुआ। इस निर्जन स्थान पर यह नवजात शिशु के रोने की आवाज कहां से आ रही है? उफ, रक्त से सना हुआ नवजात शिशु ढाल और तलवार के साथ। साकल्य और सलाखा उस शिशु को उसके पालक उसके श्रेष्ठ गुरु के पास ले आए थे। अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक का रहस्य जानने में पल भर भी नहीं लगा गुरु शुक्राचार्य को। ओह, यह बालक तो शुक्रहारा का अंतिम वंशज है। रहस्यमय शक्तियों से युक्त साकल्य और सलाका के धारक इस बालक का यूं मुझे मिलना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं का गुरुपद छल पूर्वक छीन कर मुझसे जो घात किया है,
यह बालक उसका प्रत्युत्तर होगा। शुक्राचार्य का एकमात्र मानव शिष्य शुक्राल मेरा शिष्य उन 14 सम्राटों का वध कर संपूर्ण मानव जाति पर एक छत्र राज करेगा। मैं दिखाऊंगा विष्णु को कि यदि गुरु दृढ़ हो और शिष्य योग्य हो तो एक मानव भी देवताओं से अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ बन सकता है। अपने पिता और अपने कुटुंब का प्रतिशोध लेने के लिए मैं परिशिक्षित करूंगा तुझे मेरे बच्चे। मेरे श्रेष्ठ गुरु शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण ज्ञान अपनी संपूर्ण विद्याएं मुझे सिखाई, मुझे देवताओं से भी उत्तम और असुरों से भी अधिक हिंसक बनाया। परंतु मिथ्याकार मुझे ये दृश्य क्यों दिखा रहा है? ओह, समझ आ गया है कि मिथ्याकार ने मुझे ये दृश्य क्यों दिखाए। 14 सम्राट, मेरे माता पिता और मेरे कुटुंब की हत्याएं। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। प्रथम विजय। तेरी आसुरी शक्तियां देवताओं पर भारी सही, परंतु तुझे किर्गी की योगिक शक्तियों की मारक क्षमता का अंदेशा नहीं है, अन्यथा तू किर्गी का सामना करने का दुस्साहस न करता। आज तेरा अमृत तुझे अभिशाप समान प्रतीत होगा महारावण, क्योंकि तेरे शरीर में संचित अमृत तुझे मरने नहीं देगा और ज्वालालोक की पवित्र अग्नि तुझे बार बार जलाकर भस्म करती रहेगी। उफ, वाकई कलयुग के रक्षकों की शक्तियों का अंदेशा नहीं था हमें। जब हम स्तंभित आयाम में इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो इनके कलयुग आयाम में इन्हें कैसे परास्त करेंगे? जय बजरंग बली। ऊपर से इनके साथ ये हनुमान का वंशज भी है। नहीं, सीधे युद्ध में इन्हें परास्त करना मुश्किल है, कूटनीति अपनानी होगी। असुर संधि भी इन कलयुगी इच्छाधारी नागों का मुकाबला कर पाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। कालदूत नामक ये नागयोगी उस आयाम द्वार पर कुंडली मारे बैठा है जो कि कलयुग की मुख्य समय धारा में खुलता है। हमारी असुरी शक्तियां अभी इतनी प्रबल नहीं कि कालदूत का मुकाबला कर कलयुग में प्रवेश कर सके। एक ही विकल्प है, मुझे असुर संधि के साथ इस स्तंभित आयाम से किसी अन्य आयाम में जाना होगा। मेरी असुरी शक्ति ने स्तंभित आयाम से जुड़े एक आयाम द्वार का पता लगा लिया है जो कि कलयुग की ही एक अन्य समय धारा में खुलता है। असुरी शक्तियां बता रही है कि इस आयाम में मात्र एक ही सत्य रक्षक है, उसे परास्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर एक बार हम अपनी शक्तियां संचित कर लें, तभी कलयुग की मुख्य समय धारा पर आक्रमण करना और इन महारथियों को परास्त करना संभव होगा। वो भागने की चेष्टा कर रहा है, इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। ठहरो वीरो, फिलहाल इन असुरों का पलायन हमारे लिए श्रेयस्कर है, भागने दो इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? हम सब मिलकर आसानी से उन असुरों को बंधक बना सकते थे और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती निंजा देव। द्वापर युग से निकलते ही महारावण की शक्तियां प्रतिपल द्विगुणित हो रही हैं। मैंने उसकी और उसके साथियों की द्विगुणित होती शक्तियों को महसूस किया है। अभी तक उन्हें खुद अपनी शक्तियों का आभास नहीं हुआ है। जिस क्षण वह असुर अपनी बढ़ती शक्तियों को जान गए, उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। हमने अभी उन्हें परास्त किया है, आगे भी वे हमारी सम्मिलित शक्ति के सम्मुख नहीं टिक पाएंगे। महावीर हनुमान की शक्तियां अपरंपार थी यतिराज, परंतु रावण की मृत्यु मानव रूप में जन्मे राम के हाथों ही होने लिखी थी। महारावण ने भी अमृत पान किया हुआ है, एक बार महाबली भोकाल उसे मृत्यु दे चुके हैं। अब उसका पुनः वध करने के लिए किसी दिव्य शक्ति को ही अवतरित होना होगा। हमें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अवतार चाहिए जो कि महारावण का वध कर सके। परंतु वह अवतार आएगा कहां से? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से? हमारे आयाम में आए शूद्र ग्रहों के खतरे से भी अनजान नहीं है हम। बढ़ती हुई पाप शक्तियों पर काबू पाने और महारावण को परास्त करने के लिए हमें भी समुद्र मंथन करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सतयुग में देवताओं और असुरों ने किया था। परंतु मंथन के लिए देवता और असुर कहां से आएंगे? देवता और असुर ना सही, उनके प्रतिनिधि ही सही। ये समुद्र मंथन धरती पर उपस्थित महानायक और महाखलनायक करेंगे। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उतने समय के लिए महारावण को कांख में दबा कर रखने वाला कोई बाली मिल जाए। जान छुटी उन महारथियों से। असुर! एक असुर का इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि योद्धा की पवित्र ध्यान भूमि पर अपने कदम रखे? लगता है आपके जीवन के अंतिम क्षण आ गए हैं श्रीमान असुर। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। पुराने जखम। तिरंगा की तरह ही शुक्राल भी स्तब्ध क्यों हो गया है? यह नहीं हो सकता। मिथ्याकार मेरे अंतर्मन में दबे हुए उस राज, उस जखम को कुरेद रहा है जिसे मैंने आज तक सीने में दफन करके रखा था। ये सिलसिला आरंभ हुआ था जब अभय देश पांडे दिल्ली के भारत नगर में रहने वाला एक आम लड़का था। एक आम लड़का जिसके दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। तुम 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती होना चाहते हो बच्चे, ये कोई खेल नहीं है। जाओ, घर जाओ और खिलौने वाली बंदूक से खेलो।
इन हाथों में बंदूक थमाकर देखिए। शरद पार की दुश्मनों की चित्कारें आपको यकीन दिला देंगी कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा और देश के दुश्मनों को जड़ से मिटाने का जुनून उसकी उम्र की सीमाओं से मात खा रहा था। पर उस दिन उस घटना ने उसके जुनून के सैलाब को वह हवा दी कि सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली के व्यस्त सरोजनी नगर मार्केट में हुआ था वह आतंकी हमला। खुद को रोक ना पाया वह लड़का। जब तक पुलिस या आर्मी पहुंचेगी तब तक तो लाशों से पूरा मार्केट पड़ चुका होगा। नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने शहर को शमशान नहीं बनने दूंगा मैं। उफ, ये पानी की धार कौन मार रहा है? उधर देखो, वो काफिर का पिल्ला टैंकर पर चढ़ा हुआ है। वो मूर्ख सोचता है पानी से मौत को रोक सकता है। छलनी कर दो इसे ही सबसे पहले। छलावे की तरह अपने स्थान से उछला हुआ लड़का और पानी और मौत बनाने का सामान अपने कब्जे में कर लिया। उन मौत के सौदागरों के लिए पानी को भी बारूद बना दिया उस 16 साल के लड़के ने। पलक झपकते ही मौत बेचने वाले खुद मौत के गुलाम बन गए। एक्स स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। मौत का जो धमाका उस लड़के ने किया था उसकी गूंज इतनी दूर तक गई थी जिसका उसे अंदेशा भी नहीं था। कौन सी जगह है ये? कहां लाया गया है मुझे? तुम इस समय हिंदुस्तान की सबसे खुफिया सुरक्षा एजेंसी एक्स स्क्वाड के हेडक्वार्टर में हो लड़के, और मैं हूँ एक्स स्क्वाड का लीडर कर्नल एक्सरे। एक्स स्क्वाड? मैंने कभी ऐसी किसी सुरक्षा एजेंसी के बारे में नहीं सुना। एग्जैक्टली, आज तक देश के किसी भी आम नागरिक ने इस संस्था का नाम नहीं सुना, क्योंकि यह संस्था रॉ से भी अधिक गुप्त और इसकी कार्यप्रणाली मिलिट्री से भी अधिक जटिल व विस्तृत है। कैसी कार्यप्रणाली? देश के दुश्मनों को रास्ते से हटाने की कार्यप्रणाली। पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में छुपे हुए आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले दलाल, जिन पर प्रत्यक्षतः पुलिस या सीबीआई सीधे हाथ नहीं डाल सकती, उन्हें रास्ते से हटाने का काम एक्स स्क्वाड का है। हमारी समस्या वो ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने वाले आतंकवादी नहीं है जिन्हें तुमने मारा था। हमारी समस्या वे ऊंची पहुंच वाले लोग हैं जो दीमक बनकर अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहे हैं। जब तक घर के बेदी खत्म नहीं होंगे तब तक इन ग्राउंड लेवल आतंकियों को खत्म नहीं किया जा सकता। तुम 10 मारोगे ये लोग 1000 और खड़े कर देंगे। वर्षों से एक्स स्क्वाड कमांडोज बिना किसी की नजरों में आए गुप्त रूप से इन घर के भेदियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। अगर ये संस्था इतनी गुप्त है तो आप अपने राज मेरे सामने क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमारी मेन पावर बेहद सीमित है। मिलिट्री के सबसे एलिट 1,00,000 कमांडोज में से कोई एक ही इस योग्य होता है कि उसे एक्स स्क्वाड में चुना जाए। हमारे काम में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती इस एजेंसी के भेद दुनिया के सामने खोल सकती है। सो वी नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इसीलिए हमने तुम्हारा चुनाव किया है। एक लड़का जिसमें देशभक्ति के जुनून की इतनी आग है कि पानी को बारूद बनाकर आतंकियों को खाक कर दे, उसकी जगह और उसकी जरूरत यकीनन एक्स स्क्वाड में ही है। अगर मैं आपका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं तो आप क्या करेंगे? अब तो मैं आपका यह राज जान चुका हूं, वही जो हम उन लाखों कमांडोज के साथ करते हैं जो कि एक्स स्क्वाड की चयन स्पर्धा में असफल हो जाते हैं। हम उनका ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग से एक्स के बारे में उनकी सभी स्मृतियां मिटा देते हैं। अपने जीवन के हर एक पल उसने देश के दुश्मनों को मिटाने का सपना देखा था, भला पीछे कैसे हट जाता हुआ है। साल भर तक जटिल प्रशिक्षण से गुजरा लड़का, ऐसा प्रशिक्षण जिसमें मिलिट्री के सख्त से सख्त कमांडो भी असफल हो जाते हैं, पर उसकी देशभक्ति के जुनून के आगे हर विषमता बौनी साबित हुई। देश के सर्वोत्तम मिलिट्री ट्रेनर्स ने उसे मिलिट्री की हर विद्या हर बारीकी के साथ प्रशिक्षित किया। साल भर तक कर्नल एक्स रे के नेतृत्व में प्रशिक्षण की भट्टी में तप कर तैयार हुआ वह हथियार जिसे नाम दिया गया एजेंट देशभक्त। अगले 1 साल में एजेंट देशभक्त एक्स स्क्वाड का सबसे लीथल वेपन साबित हुआ। 18 वर्ष का होने तक वह इतने करप्ट क्रिमिनल्स व टेररिस्ट को मार चुका था जितने कई सिपाही अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मार पाते। उसका उसूल सीधा था, आतंकवाद खत्म करने का एक ही तरीका है, आतंकवादी को खत्म कर दो। एजेंट देशभक्त का वह मिशन भी उसके पिछले मिशन जैसा ही था। उससे पहले भी उसने सैकड़ों बार आतंकियों और उनके रहनुमाओं को मौत के घाट उतारा था, पर इस बार उसकी छठी इंद्री उसे कहीं कुछ गड़बड़ होने के संकेत दे रही थी। धर्मांत शास्त्री? पर धर्मांत शास्त्री का नाम तो देश के सबसे बड़े समाजवादियों में से है। इनकी चलाई संस्थाएं वो ट्रस्ट अनगिनत गरीब और बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं। जो लोग असाध्य बीमारियों के लिए इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते उनके लिए इन्होंने हर शहर में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाए हैं। अधर्म तक जाने वाला मार्ग हमेशा धर्म से ही होकर गुजरता है। धर्मार्थ शास्त्री का यह सब
धर्म कर्म वास्तव में एक कवर अप है, एक पर्दा है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए। यह फोटोग्राफ देखो, धर्मार्थ शास्त्री के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा, पक्का सबूत। इन फोटोग्राफ्स में तो वह पाकिस्तान के टॉप टेररिस्ट मास्टरमाइंड के साथ नजर आ रहा है, यानी बात पक्की है। धर्मार्थ शास्त्री देशद्रोही है और हर देशद्रोही के लिए एजेंट देशभक्त ने एक ही सजा मुकर्रर की है, सजाए मौत। नहीं रुको, जाने क्यों उसका दिल भी उस दिन उससे रुक जाने को कह रहा था, उंगलियां ट्रिगर पर कसने से इनकार कर रही थी, पर उसके पास समय कम था और आखिरी फैसला वो कर चुका था। मौत के शोले उसके आदेश पर निकले जरूर, पर उन्होंने जिस जिस्म में पना पाई उसने अभय की ही रूह फना कर दी। धर्मार्थ शास्त्री की 8 वर्षीय बेटी एजेंट देशभक्त की मौत के फरमान पर अपने पिता के बीच दीवार बन गई थी। उस मासूम दीवार के साथ एजेंट देशभक्त का पूरा वजूद भरभरा कर गिर रहा था। जाने उसने अनगिनत ली थी, पर उस दिन वह हत्यारा बन गया था। अवनी, मेरी बच्ची, ये क्या किया तूने हत्यारे? मेरी मासूम बच्ची का खून तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगा, तेरे सिर चढ़कर बोलेगा ये खून। वाकई वह खून उसके सर चढ़कर बोला, अपनी सूझबूझ खो बैठा है, खुद को फांसी पर चढ़ा दिए जाने के काबिल मान बैठा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है एजेंट देशभक्त, होश में आओ, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कर्नल, मैं खुद को कानून के हवाले करूंगा। एक मासूम बेगुनाह के कत्ल के लिए मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। आज एहसास हुआ मुझे कर्नल कि जब मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो किसी की जिंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है मुझे। मैं खुद कानून से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फांसी से कम सजा ना दी जाए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे देशभक्त, तुम्हारे कानून के सामने जाने से एक्स स्क्वाड का वजूद दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा, जो कि हम कतई होने नहीं दे सकते। तुम्हारे पीछे मैंने एक बैकअप टीम भेजी थी जिसने तुम्हें नाकाम होते देख धर्मार्थ शास्त्री को खत्म कर दिया, और पुलिस के सामने ये बात भी स्थापित कर दी गई है कि घर में चोरी के इरादे से घुसे किसी अपराधी ने बाप बेटी को मार दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने फर्ज अपने कर्तव्य को याद रखो बस। ये संभव नहीं है कर्नल, मैं इस अपराध बोध के साथ जीवित नहीं रह सकता। फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एजेंट देशभक्त को खत्म करना होगा। एक्स स्क्वाड की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उस लड़के के दिमाग से एक्स स्क्वाड से जुड़ी सभी स्मृतियां मिटा दी गई। एजेंट देशभक्त का वजूद संसार से मिट गया, बचा तो सिर्फ अभय देशपांडे, जो कि 16 वर्ष की उम्र में सरोजनी नगर मार्केट में हुई आतंकी घटना से बुरी तरह घायल होकर 2 साल तक कोमा में रहा। अभय का बीता हुआ कल भले ही बदल गया था, लेकिन आने वाला कल बदलना उसके वश में नहीं था। पर भारत नगर के उस दंगे ने देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा को जन्म दे दिया। एजेंट देशभक्त खत्म हो गया, पर अभय के भीतर का देशभक्त अब भी जिंदा था। मिथ्याकार ने मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहीं दमित एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को पुनः मेरे सामने ला खड़ा किया है। अपना बीता हुआ कल जो मैं भूल बैठा था उसे दोबारा याद दिलाया है मुझे, पर क्यों, आखिर क्यों? ओह, ये जल्लाद समझ गया, मिथ्याकार मेरे अवचेतन की दमित इच्छाओं को उभार रहा है। उसने मेरी एजेंट देशभक्त की स्मृतियों को इसलिए याद दिलाया है ताकि एजेंट देशभक्त ने अपने लिए सजाए मौत की जो सजा मुकर्रर की थी उसे पूरा किया जा सके। चतुर्थ अध्याय समाप्त। और दोस्तों, इस अध्याय के साथ ही हमारा सर्वमंथन कॉमिक का ये पार्ट 2 भी यहीं पर समाप्त होता है, और अब इस कॉमिक की कहानी को हम पूरा करेंगे इसके तीसरे और आखिरी पार्ट में। तो जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें, साथ ही इसका अगला पार्ट मिस ना करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा इस कॉमिक के तीसरे पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें।